हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज कुमार, ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। हम लोग किरण मैथ 9100+ बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है, और टाइम एंड वर्क में टाइप वन को क्लियर कर रहे हैं और 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो को आप नियंत्रण देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करने के लिए आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर पा सकें। तो आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उस काम को जितने समय में लेता है, बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को जितने समय में करता है या कर लेता है, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले है उससे, इससे ये 3 गुना अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब कि जब ये 3 गुना समय ले रहा है तो ये एक दिन ले, जब ये 3 दिन ले रहा है तो ये एक दिन लेगा। जब ये 3 दिन ले रहा है तो इसका क्षमता क्या होगा, कम होगा। तो इसको ऑलरेडी आप ये दिन है, ये 3 दिन ले रहा है तो ये एक दिन लेगा। अब देखिए, जब भी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये दिन दिया हुआ है ना, 1:3, ये 3 दिन ले रहा है तो ये एक दिन ले रहा है। तो जो दिन होता है ना, क्षमता के अपोजिट होता है। देखिए, यहाँ से मान ले रहे हैं, ए एक काम को 7 दिनों में कर रहा है, बी एक उसी काम को 8 दिनों में कर रहा है। यहाँ से टोटल वर्क देखा जाए तो 56 हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो मेरा का नाम था कि दिन जो होता है ना, क्षमता के उल्टा होता है, क्षमता होता है जो दिन के उल्टा होता है। कहने का मतलब कि देखिए, ये दिन तो था ना बी का, ये क्षमता के क्या है, उल्टा है ना दिन, ये जो दिन था 7 दिन, ये क्षमता के क्या है, उल्टा है। कहने का मतलब कि दिन जो होगा वो क्षमता के उल्टा होगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे कि जब ये 3 दिन ले रहा है तो तीन को इधर कर दे, एक को इधर कर देते हैं। तो अब देखिए, हमको इफिशियंसी निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो 3:1 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेता है, ए प्लस सी मिलकर जितने समय में काम कर लेता है, बी उससे क्या करता है, 3-4 गुना अधिक समय लेता है। इसका मतलब कि 4 गुना 4 दिन ये अधिक समय लिया, जब ये एक दिन तो ये 4 दिन, तो ये आपका दिन निकला है। अब ये बताइए इफिशियंसी क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो 4:1। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। इसमें मान लेते हैं कि x1 हुआ x2 हुआ। अब बताइए कि x1 को एक जगह, x2 को एक जगह जोड़ देंगे तो x1 कितना, 3 और 1 4, x1 = x2 कितना हुआ, 4x2 और 1x2 कितना, 5x2। तो x1 की क्षमता कितना, 5, और x2 की क्षमता कितना, 4। और बताइए x2 की क्षमता कितना, x2 की क्षमता 4, इसका मतलब कि इसका क्षमता 4 होगा और इसका चर्चा होगा 16 हो गया। अब देखिए यहाँ से कि x1 की क्षमता कितना, 5 है ना, तो इसका क्षमता x1 के 5 और 3×5=15 हो जाएगी। और बताइए कि बी ए का तो क्षमता 5 मालूम है, बी के भी क्षमता 5 मालूम, 4 मालूम है, लेकिन सी का क्षमता कैसे निकलेगा भाई। तो यहाँ से जब ए प्लस सी इजकल टू कितना है, 16 आया है ना, तो ए के वैल्यू इसमें डाल देंगे तो सी के वैल्यू नहीं निकल, ए के वैल्यू 5, तो 5 उधर जाएगा, तो 16 में से 5 गया 11। इसका मतलब कि सी की क्षमता कितना हुआ, 11 हो गया। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर ए प्लस बी आप प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में, 24 दिनों में, यहाँ से कह रहा है 24 दिनों में कर रहा है। तो अब बताइए कि तीनों की क्षमता कितना,
अचार 15 15 5 20, इसका मतलब कि 24 दुनी 48, 480 टोटल वर्क हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि ए इस काम को, ए 480 काम को कितना दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम, 5 काम, तो 480 काम को कितना दिनों में करेगा, 5 9 45 और 5 6 30, कितना दिनों में, 96 दिनों में कर देगा। तो आई होप आप सब, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू कर कर आपको देख, मतलब कि इसको वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य था कि आप कहीं भी रहिए लेकिन कुछ कारणवश आप नहीं पढ़े हैं, तो आप प्रीव्यू कर कर आगे पीछे कर कर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है 42 नंबर, ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से कह रहे ए किसी कार्य को 4 दिनों में, बी किसी कार्य उसी कार्य को 12 दिनों में, इसका टोटल वर्क 12 हो गया, 4 से भाग देंगे तो 3, 12 से भाग देंगे तो 1। कह रहे दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में, तो 3 1 4, दोनों अगर जाएगा तो 3 1 4 काम करेगा एक दिन में, तो यहाँ से कितना दिन में, 3 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में, 10 दिनों में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग 20 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से, ए किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिनों में, बी 1/3 भाग 20 दिनों में, आप ऊपर ऊपर कटाइए तो कटने वाला है नहीं, 10 के 10 आएगा, 10 4 का ये 40 हो गया, आइए 10 20 60 हो गया, टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ से आपका 120 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा, और भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो दोनों की क्षमता, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो एक ही दिन जाएगा दोनों, तो 3 2 5 काम करके आएगा एक दिन में, तो 5 से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो कितना 24 25 20 मतलब 24 दिनों में क्या करेगा, दोनों मिलकर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन कार्य किया और बी ने काम करना छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले और 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करने का ठेका लिया और उन दोनों ने 20 दिन ही काम किया, तो पहले 1 दिन के काम निकालेंगे, इसके बाद 20 दिन के काम निकालेंगे, तो देखेंगे कि कितना भाग कर लिया। तो आइए यहाँ से 44 नंबर, कह रहे हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, करने का ठेका लिया, और बताइए कि 30 दिनों में करने का ठेका लिया, लेकिन देखा गया कि 20 दिन ही काम किया, इसका मतलब कि 1 दिन का काम पहले निकालेंगे, तो 1 दिन का काम पहले हम क्या कैसे निकालते हैं, अंडर 10 में 30 दिन में 1 काम, इसलिए 1 दिन में कितना काम, 1/30 काम, 1 दिन में कितना काम, 1/30 काम। ठीक उसी प्रकार हम एक को ऊपर ना लिख दें कि 1 दिन के काम निकल गया, अब फिर कितना दिन काम किए हैं, 20 दिन, तो 1 0 से 0, इसका मतलब कि कितना, 2/3 भाग हम क्या किए हैं, काम किए हैं, ये भाग निकालने का इतना प्रोसेस चला है, तो 1/ ऑलरेडी आपका दिया हुआ था कि 1 + 20 30 दिनों में खत्म कर रहा है, तो भाग निकालने के लिए फिर कह रहा है ना कि इतना काम कर 20 दिन काम कर ए चला गया, बी चला गया, तो बचा कौन, ए, आ ये कह रहा है कि फिर काम कर रहा है और 20 दिन एक्स्ट्रा ही काम कर रहा है, मतलब और काम कर रहा है शेष काम, तो शेष काम कैसे निकलेगा भाई, तो 1/3 में जाए शेष काम, आ कितना दिन एक्स्ट्रा, 20 दिन ले रहा है, तो 20 60, और बताइए यहाँ से टोटल वर्क 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 60, और 30 दुनी का 60 60 है कम 60, लेकिन कह रहा है कि ए शेष काम को, ए पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम, तो कितना दिन, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य
ए बी मिलकर पूरा करते हैं तो पूरा कार्य कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों मिलकर काम करता है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ 1/8 भाग काम करने के बाद सी कह रहा है कि हम निकल रहे हैं और शेष काम को कौन करेगा, ए और बी। तो यहाँ से देखा जाए, ए यहाँ है, बी है और सी है। ए यहाँ पे 6 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में। देखा गया ये टोटल वर्क 60 है, 12 से कटाएंगे तो ये 6 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 12 से कटाएंगे तो 12 5 60 हो गया, यहाँ से कटाएंगे तो 4 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 60 काम था, अब कह रहे हैं कि 1/8 काज पूरा हो जाने के बाद सी चला गया। मान लेते हैं कि 1/8 काम पूरा हो गया, तो ये 1/8 पूरा हो गया तो बचा कितना काम, टोटल 8 होगा, टोटल काम 8 है जिसमें एक काम पूरा हो गया तो 7 काम अभी बचा, टोटल से कितना में 8 में, तो टोटल कितना यहाँ पे लिखेंगे, टोटल 8 था जिसमें से एक काम हो गया था पहले आपको दिखा चुके हैं और 7 काम बचा है और कितना में 8 काम। तो यहाँ से अब इसको काटे या छोड़ दें, छोड़ देते हैं कि इतना काम बचा है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कटा देते हैं 4 से, 4 2 8 और 15 4 60, इसका मतलब कि कितना हो गया, 15 7 75 से 105 2/2, मैंने शेष काम इतना ही बचा। अब कह रहा है कि शेष काम को कौन करेगा, ए और बी, तो 15 10 5 15, 15 से हम भाग कर देंगे 105 में, तो 15 7 75 से अब कटाएंगे 3 से, 3 2 6 और 1/2 दिन में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, 46 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके किसी कार्य को 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो आइए 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलरेडी आप M1 D1 और H1 पढ़ चुके हैं, उस पर ही आधारित है। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके और 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो 12 दिनों में 20 आदमी कितना घंटा काम करेंगे, तो 80 घंटा काम करेंगे। यहाँ से कटाते हैं, 20 20 तो कट गया, 20 20 तो कट गया। और बताइए 8 4 से कटाते हैं, 4 4 2 8 और 4 3 12, 3 5 5 2 10 = H2, कितना घंटा, 10 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉमा बी 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है, यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जान जाइए कि जो दिन होता है समय क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है, और क्षमता जो होता है दिन का अपोजिट है, मैंने एक दूसरे का क्या होता है, स्पोकल उल्टा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, यहाँ से कह रहा है कि ए 3/4 समय में, 3/4 समय में ये दिन है, ए के ये दिन का, तो जब ए कह रहा है कि 3/4 समय में तो ये तो कुछ समय लिया होगा, मान लेते हैं कि एक समय लिया, और 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो आधा वो क्या हुआ, काम जो हुआ वो क्षमता हुआ, तो यहाँ से दिन है तो इसमें तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब क्षमता करेंगे तो यहाँ से ये भागा में 4 है तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब चलते हैं इफिशियंसी, मतलब क्षमता निकालते हैं, तो दिन होता है क्षमता क्या चीज, उल्टा, तो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, 3। लेकिन अब क्षमता हुआ उसमें अब कैलकुलेट करेंगे कि ए 3/4 समय में बी से आधा, मतलब इससे आधा काम करता है, इसका मतलब कि 1/2 आधा काम किया, ये 2 तो 2 अनुपात कितना, अब क्षमता मेरा ओरिजिनल हुआ 2:3। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कह रहा था कि ए प्लस बी कितना समय, 18 दिन, 18 दिन तक तो लगातार काम किया, इसका मतलब कि 3 2 5, एक दिन में 5 काम, दोनों के काम एक दिन में 5 काम, तो 18 5 90, इसका मतलब कि ये क्या आया, टोटल वर्क आ गया 90। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले ये 90 वर्क को करे ना तो कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 3 काम, तो 90 काम को कितना दिनों में, 30 दिन में कर देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी
एक कार्य को 15 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में, और सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए को स्वयं कार्य करने में कितना समय दिन लगेगा? 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से बताए थे, तो बी और सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 10 दिनों में। यहां से देखा जाए टोटल वर्क तो 60 हुआ, 15 से भाग दिए तो 4, 12 से भाग दिए तो 5, और 10 से भाग दिए तो 6। यहां से देखा गया तो 2 कॉमन लिया गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 6 आ 4 10 आ 5 15, 2 से भाग दिए तो 7.5 आया, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5। लेकिन कह रहा था हमको ए के बताइए क्षमता पहले कि ए इस काम को कितना, तो ए को निकालने के लिए बी और सी को वैल्यू डाल दें, बी और सी का वैल्यू कितना 5 और 7.5 है, तो ए की वैल्यू कितना 2.5 हो जाता। कहने का मतलब कि ये एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 2.5 से हम क्षमता से भाग दे दिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, 5 से 5 दून 10, 5 5 25, और 12 5 60, कितना दिन, 24 दिन में ये कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटा अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटा अधिक लगेंगे। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो कितना समय लेंगे? तो आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, और बहुत सारा इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक निकला हुआ है जो इस प्रकार है, आपको दिखाते हैं। 49, यहां से समय निकालना है ना दोनों का ना समय, तो यहां से रूट चढ़ा दीजिए, और पहला क्वेश्चन का टाइम आगुना, पहला क्वेश्चन पहला में क्या है 8 घंटा अधिक, इसका मतलब कि 8 घंटा अधिक फर्स्ट, और सेकेंड में 4.5 घंटा अधिक, इसका मतलब कि 4.5 को क्या कर सकते हैं, 4.5 को आप क्या कर सकते हैं, तो आइए यहाँ से 9/2 कर सकते हैं, यहाँ से 4 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 4, और रूट में क्या हो जाएगा 4 9 36 इक्वल टू कितना, 6 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में एक्स को 4 घंटे लगते हैं, और उसी काम को पूरा करने में वाई को 8 घंटा लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो यहाँ देखिए घंटा में हम लोग का क्वेश्चन दिए, लेकिन मिनट में हमको पूछ रहा है आंसर। तो एक्स 4 घंटा, इसका मतलब 4 घंटा में 60 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 240, और वाई कह रहा है कि 8 घंटा में 8 में 60 से 8 6 48, 480। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना 480 हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो कह रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितना समय में पूरा करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 16 48 160 मिनट में पूरा कर देंगे। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।